वाशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में भारत के फ्रीडम स्कोर को घटा दिया है। इस रिपोर्ट में भारत का दर्जा पिछले साल के फ्री यानी स्वतंत्र से पार्टली फ्री यानी कि आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है। इंटरनेट फ्रीडम स्कोर के आधार पर भी भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है। डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक वाली रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर 71 से घटकर 67 हो गया है और भारत की रैंकिंग 211 देशों में 83 से फिसलकर 88 पोजीशन पर आ गई है। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में दी। लेकिन अभी तक भारत के लोकतंत्र को लेकर किसी फिल्मकार, गीतकार और खिलाड़ी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? ग्लोबल जगत में यह खबर छप जाए कि भारत के लोकतंत्र में भारी गिरावट आई है और अब भारत को एक आजाद लोकतंत्र की जगह आंशिक रूप से आजाद लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, तब तो उन्हें उस तरह ट्वीट करना ही चाहिए था जिस तरह से उन्होंने रियाना के मामले में ट्वीट किया था। आपको तो याद ही होगा कि रियाना नाम की गायिका ने किसान आंदोलन को लेकर छपी खबर ट्वीट कर दी और सिर्फ इतना लिख दिया कि क्या हम इस पर बात कर सकते हैं, तो हंगामा मच गया। फिल्मकार, खिलाड़ी सरकार के बचाव में आ गए, सरकार आक्रामक हो गई। लेकिन अब जब भारत के लोकतंत्र की रेटिंग गिर गई है, तब इनके बीच खामोशी को कैसे समझा जाए? फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया पहले से अधिक अलोकतांत्रिक हो गई। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति में गिरावट के कारण पर भी नजर मारी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले में वृद्धि दर्ज की गई है और हाल के वर्षों में रिपोर्टिंग काफी कम महत्वाकांक्षी बन गई है। आलोचनात्मक मीडिया की आवाज को दबाने के लिए सुरक्षा निकायों, मानहानि, देशद्रोह और अवमानना जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा लाए नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अनुचित कार्रवाई की गई और इस प्रदर्शन के विरोध बोलने वाले दर्जनों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रतिक्रिया के दौरान भारत समेत वैश्विक स्तर पर कई स्थानों पर लॉकडाउन जैसे उपाय अपनाए गए, जिसके कारण भारत में व्यापक स्तर पर लाखों प्रवासी श्रमिकों ने अनियोजित और खतरनाक तरीके से आंतरिक विस्थापन करना पड़ा। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने अपने शो में दी है और इसके साथ ही वह सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और ये फ्रीडम हाउस जो है उसने इंडिया को एक तरह से डिमोट कर दिया है। उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो हक हैं, इंसानी हक और सिविल लिबर्टीज जो हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, खासकर तब से जब नरेंद्र मोदी सन 2014 में प्रधानमंत्री बने। ये किसी भारतीय एनजीओ का कहना नहीं है, ये फ्रीडम हाउस है, वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है ये, और इसकी बहुत इज्जत है, इसको गंभीरता से पढ़ा जाता है। फ्रीडम हाउस का कहना है कि जो मोदी सरकार का हिंदू राष्ट्रवाद वाली सरकार है, उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव डाल रखा है जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंसानी अधिकारों की, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है। उसके अलावा जो शिक्षाविद हैं, एकेडमिक्स, प्रोफेसर्स वगैरह, उन पर, जन पत्रकारों पर, और लिंचिंग वगैरह खासकर मुसलमानों पर जो माइनॉरिटी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट को भ्रामक, गलत और अनुचित बताया है। रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा गया कि ये फैक्ट है कि भारत के संघीय ढांचे के तहत केंद्र में जिस पार्टी का शासन है, उसके अलावा राज्यों में अलग अलग पार्टियां शासन करती हैं। ये पार्टियां चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनकर आती हैं, जिसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन बॉडी कराती है। ये सब एक जीवंत लोकतंत्र को दिखाता है, जहां अलग अलग विचारों को जगह दी जाती है। अगर सरकार इस रिपोर्ट का विरोध कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया भी इस रिपोर्ट का विरोध ही करेगी, भले ही सच्चाई कुछ भी हो। आप खुद ही देख लीजिए इस रिपोर्ट पर गोदी मीडिया क्या कह रहा है। आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी दुकान का विश्लेषण करेंगे, जिसके लिए आजादी और लोकतंत्र मात्र एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हर साल रेटिंग का रूप देकर दुनिया भर में बेचा जाता है और बहुत से कमजोर और गरीब देश इन रेटिंग्स को मानने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। आज हम आपको जिस दुकान के बारे में बताना चाहते हैं, उस दुकान का नाम है फ्रीडम हाउस। नाम बहुत अच्छा है और ये अमेरिका के सबसे पुराने एनजीओज में से एक है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एनजीओ हर साल दुनिया के दूसरे देशों को यह बताता है कि वहां के लोगों के पास कितनी आजादी है। इस एनजीओ ने वर्ष 2020 के लिए दुनिया के 210 देशों की रेटिंग्स जारी की है और इन रेटिंग्स में भारत को स्वतंत्र देश से
आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी भारत को एक ऐसा देश बताया गया है जहां लोगों के लिए आजादी लगातार कम हो रही है, लोगों को पूरी आजादी नहीं है। इस रिपोर्ट का विरोध होने का एक कारण ये भी है कि इस रिपोर्ट में कश्मीर को अलग मार्क्स दिए हैं और भारत को अलग, जिस वजह से इस रिपोर्ट का भारत में विरोध देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आ चुकी है, इसमें भारत 149 देशों में से 139 स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 105वें, बांग्लादेश 101वें और चीन 84वें स्थान पर है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इन रिपोर्ट के माध्यम से देश की स्थिति को समझेगी और देश को और बेहतर बनाने पर ध्यान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।